और जो LED लाइट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स से दिया हुआ बहुत ही बढ़िया डिस्टिंक्टिव LED लाइट्स, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं वापस कार रिव्यू करने के लिए, और अभी हम रिव्यू करेंगे ह्यूंडई और BMW की ब्रांड्स और साथ में KTM बाइक्स भी, तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, दी ऑल न्यू i20 गोलू भैया के पास यही गाड़ी है गाइस। और ये टॉप मॉडल है और इसका आप क्रोम फिनिश देख सकते हैं। इंटीरियर तो बहुत ही बढ़िया, मतलब माशाल्लाह इंटीरियर क्या ही बताएं। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बहुत बढ़िया, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल। मैं गाइस बैठ चुका हूँ i20 में, तो मुझे पता है कि फीलिंग कैसी होती है। बहुत बढ़िया प्रीमियम लग्जरी कार जो है, मतलब आप अगर 10 लाख में खरीदना चाहते हैं तो i20 है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ओवरऑल मैं कहूँगा, काफ़ी बढ़िया, 10 में से 9 स्टार देना चाहूँगा i20 को। तो बात करते हैं अंदर इंटीरियर की, यहाँ पे आराम से हम 5 लोग तो बैठ सकते हैं, लेकिन गाइस हम लोग एक बार 8 लोग बैठ चुके हैं, तो काफ़ी स्पेस है। और बैक की बात करें तो ये एस्टा वर्जन है i20 की, और सामने आप ऊपर में देख सकते हैं शार्क फिन। तो ये थी गाइस i20 की ओवरऑल रिव्यू। तो ये है गाइस ह्यूंडई की कोना इलेक्ट्रिक। हालांकि ये गाड़ी ज़्यादा मार्केट में सेल नहीं हुई, क्योंकि जो इसका इनिशियल जो रिस्पांस था वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था गाइस। और अब बात करते हैं गाइस दी ऑल न्यू टाटा हैरियर, द बहुत ही मतलब एलिगेंट लुकिंग कार। इस गाड़ी के बारे में जितना भी कहो गाइस, ये मतलब क्या ही बताएं, अमेजिंग कार। इसका जो एग्रेसिव हेडलाइट है और फॉग लाइट्स है बहुत ही बढ़िया, मतलब दूर से ये गाड़ी मतलब काफ़ी एग्रेसिव दिखती हुई। ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही सुंदर। और ये है गाइस टाटा की टिगोर EV जो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे EV की बैजिंग दी हुई है, तो इसे बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो ओवरऑल ये भी गाड़ी बहुत ही सुंदर। और अभी गाइस बढ़ने वाले हैं बहुत ही स्पेशल कार ब्रांड एंड बाइक ब्रांड जो है BMW। तो गाइस ये है दी ऑल न्यू 6GT BMW 6 सीरीज की गाड़ी। बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल्स की, तो काफ़ी सुंदर डिस्टिंक्टिव BMW फ्रंट ग्रिल्स, और जो LED लाइट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स से दिया हुआ बहुत ही बढ़िया डिस्टिंक्टिव LED लाइट्स, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन, और यहाँ पे M बैजिंग। बात करते हैं इसकी बैक की, तो काफ़ी डिस्टिंक्ट ब्यूटीफुल लाइट्स से GT एडिशन जो GT बैजिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंग जो है एक्सटेंड किया गया है विंग, तो इसमें जो GT एडिशन में है तो आपको विंग मिलता है यहाँ पे। तो BMW की लोगो यहाँ पे, और यहाँ पे 630i की बैजिंग। बात करते हैं गाइस इंटीरियर की, तो काफ़ी सुंदर इंटीरियर अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं 5 आदमी आराम से इस गाड़ी में। सुंदर स्टीयरिंग व्हील्स वहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो एम्बियंट लाइटिंग दी गई है इस गाड़ी में बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ गाइस दी BMW X3 द ब्यूटिफुल कार, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे प्रोजेक्टेड LED लैंप्स, यहाँ पे फॉग लैंप, और यहाँ पे देखिए BMW की LED दी हुई, बहुत ही डिस्टिंक्टिव जो LED सिग्नेचर LEDs है वो यहाँ पे दी गई है। ग्रिल्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है विद द लोगो ऑन द टॉप, और यहाँ पे M बैजिंग मिल गई है। यहाँ पे आपको मिलते हैं साइड कैमराज जो काफ़ी बढ़िया है। बात करते हैं इंटीरियर की, तो बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर। पीछे आए पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको कर्व्ड एक न्यू डिज़ाइन मिलता है LED में, बहुत ही सुंदर। बीच में एक और LED आपको मिल जाता है X3 की बैजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, यहाँ पे X Drive 30i की बैजिंग। ये गाड़ी बहुत ही अनबिलीवेबल। तो गाइज ओवरऑल ये गाड़ी बहुत ही सुंदर X3, और इसके बगल में द 6GT। तो ये गाइज BMW की GS 310 दी ऑफ रोडिंग बाइक, ये 310 RR रेस एडिशन बाइक। तो बोलो भैया बाइक पर बैठते हुए इंजॉय करते हुए। तो यहाँ पे गाइज KTM's की बाइक भी है, यहाँ पे RC 200, द न्यू ऑल न्यू RC 200, ड्यूक 390, 200 एंड 125। यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत ही सुंदर डिज़ाइन में, और यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड के मिल जाएंगे कॉन्टिनेंटल GT 650, और ये है दी ऑल न्यू हंटर 350, बहुत ही बढ़िया। चलिए भैया, ये है दी क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350, ये है हिमालयन यहाँ पे 350X, और यहाँ पे है गाइस होंडा की 125 ग्राजिया, वहाँ पे बाइक्स है। यहाँ पे होंडा नई होंडा CB 350 RS, और ये है CB Hornet, यहाँ पे एक्टिवा, और यहाँ पे है गाइस होंडा हाइनेस, ये है गाइस होंडा CB 300 R, और ये है होंडा हाइनेस अगेन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हीरो के स्कूटी, हीरो माइस्ट्रो एज, हीरो एक्सटेक,
हीरो एक्सट्रीम, यहाँ पे भी एक्सट्रीम, हीरो स्प्लेंडर नहीं, यहाँ पे हीरो इम्पल्स जो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है गाइस रेनॉल्ट की काइगर, और यहाँ पे रेनॉल्ट है ट्राइबर, और ये है दी ऑल न्यू रेनॉल्ट क्विड काफ़ी एग्रेसिव हेडलाइट्स के साथ। ये यहाँ पे गाइस ZS EV, ये है गाइस दी बिग MG ग्लॉस्टर, ये हेक्टर की जो एक्सटेंडेड वर्जन है। ये है मॉरिस ग्राज MG की हेक्टर। फाइनली गाइस MG की एस्टर विद दी AI इनसाइड टेक्नोलॉजी। तो ये शिबू सोरेन जी की आकृति बनाई गई है यहाँ पे, सुंदर सी शिबू सोरेन जी को यहाँ पे बनाया गया है। बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है। एंड फाइनली गाइज हमारा जो आखिरी स्टॉल है यहाँ पे रिव्यू के लिए वो है द जेड इलेक्ट्रिक स्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनी स्कूटर, ये छोटा सा मिनी स्कूटर, ये उससे थोड़ा बड़ा स्कूटर जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्राई स्कूटर। तो मतलब जो बाकी यहाँ पे जितने भी आपको स्कूटर्स दिख रहे हैं सारे इलेक्ट्रिक्स है। ये है दी फैट बॉय, ये लेडी स्कूटर कैरेज भी सामने दिया गया है, ये है ट्राई स्कूटर। तो गाइज अब हो गया है सारा पूरा, हमने एक्सपो देख लिया है और फाइनली एक्सपो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे लिए। इस ब्लॉग में यहीं पे एक्सपो एंड करते हैं, तो अभी यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है घर जाने का। गाइस मैं बहुत लकी हूँ यहाँ पे आया हूँ एक्सपो को देखने के लिए। मैं इसलिए यहाँ पे रांची आया हूँ, एक स्पेशल इसी एक्सपो के लिए आया था गाइस। तो गाइस मैं नेपाल जाने वाला था, मेरा प्लानिंग था नेपाल का, लेकिन नेपाल ट्रिप कैंसिल हो गया तो हम आ गए इसी एक्सपो को देखने के लिए, तो ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। हालाँकि हम लोग नेपाल जाएँगे फ्यूचर में, मे बी जनवरी फेब में हम लोग जाने वाले हैं नेपाल। फिलहाल तो हम इस एक्सपो को देखना है, काफ़ी मज़ेदार एक्सपो रहा। आई होप आपको अच्छा लगा ये एक्सपो, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस BMW मर्सिडीज़ में बैठ के तो भाई मज़ा आ गया, मतलब क्या ही बताओ, अनबिलीवेबल फीलिंग। ज़िंदगी में पहली बार मर्सिडीज़ में बैठा, ओह क्या ही मज़ा आ गया, ज़िंदगी सही हो गया, मज़ा आ गया। तो ये रही अपनी स्कूटी, तो फाइनली घर को पहुंच गए हैं गाइस अभी अभी। अरे ये हेलमेट नहीं खुल रहा, अटक गया। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए घर और काफी थक गए हैं, लेकिन एक बात अच्छी है, ठंड बढ़ने से पहले हम लोग घर पहुंच गए टाइम पे। तो व्लॉग को करते हैं गाइज यहीं पे एंड। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बात करते हैं इसके बैक सीट्स की, तो ये आपका हुडी रखा है क्या अंदर? अरे मेरा